तो दोस्तों क्लैश ऑफ द कैसल इसी सैटरडे को देने वाला है और क्लैश ऑफ द कैसल को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के दिमाग में काफी सारे सवाल है। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्लैश ऑफ द कैसल में हमें क्या क्या सरप्राइजेस और कौन कौन से रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। तो क्लैश ऑफ द कैसल में हमें 3 सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं, वो क्या क्या है ये अगर आप लोगों को पता चल जाएगा तो आप लोगों को काफी मजा आएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ये जानने के लिए बेताब है कि क्लैश ऑफ द कैसल में क्या क्या होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आपने वीडियो को आखिर तक नहीं देखा तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्लैश ऑफ द कैसल में क्या क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई पीजी एरा से नॉन पीजी एरा पे जा रहा है या नहीं, तो इस बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को भी मिस कर दिया है तो उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा तो मुझे पूरा यकीन है कि वो वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले सरप्राइज के बारे में बात करते हैं और सबसे पहला सरप्राइज हमें क्लैश ऑफ द कैसल में ये मिल सकता है कि टू मैकइंटायर बन जाए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। बहुत जगह ये रूमर्स भी आ रही है कि ड्रू मैकइंटायर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं बन पाएंगे क्योंकि क्लैश ऑफ द कैसल में सीएम पंक आ जाएंगे और सीएम पंक ड्रू मैकइंटायर को एक बार फिर से डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसका फायदा उठा के डैमियन प्रिंस ड्रू मैकइंटायर को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच हो रहा है स्कॉटलैंड में ड्रू मैकइंटायर के होम टाउन में, और पहले भी ड्रू मैकइंटायर अपने होम टाउन में टाइटल मैच हार चुके हैं, वो भी इंटरफेरेंस की वजह से। अब दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ही चीज को अगर रिपीट करेगी तो ये ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है ड्रू मैकइंटायर को इस मैच में जीतना चाहिए और ड्रू मैकइंटायर को बन जाना चाहिए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, क्योंकि उसके बाद अगर सीएम पंक रिटर्न आते हैं और सीएम पंक चैलेंज करते हैं ड्रू मैकइंटायर को तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक का मैच वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि ये पहला सरप्राइज आप लोगों को कैसा लग सकता है। अब बात करते हैं क्लैश ऑफ द कैसल के दूसरे सरप्राइज के बारे में, और दूसरा सरप्राइज है एक रिटर्न, एक सुपरस्टार का रिटर्न, जिसका रिटर्न का इंतजार डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस काफी टाइम से कर रहे हैं और रूमर्स भी काफी आ रही है कि वो क्लैश ऑफ द कैसल में रिटर्न आने वाले। आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, मैं बात कर रहा हूँ अंकल हाउडी की। अंकल हाउडी क्लैश ऑफ द कैसल में रिटर्न आ सकते हैं, और अगर अंकल हाउडी रिटर्न आएंगे तो वो करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। रूमर्स तो ये आ रही है कि अंकल हाउडी कॉडी रोस वर्सेस एजे स्टाइल के मैच में रिटर्न आएंगे। कॉडी रोस और एजे स्टाइल के मैच का रिजल्ट हम लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस मैच में कॉडी रोस एजे स्टाइल को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। लेकिन उसके बाद कॉडी रोस को मिल सकता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि वहां पर रिटर्न आ सकते हैं अंकल हाउडी, और फाइनली अंकल हाउडी रिटर्न आके कॉडियोस को चैलेंज करेंगे। कॉडियोस के नेक्स्ट चैलेंजर के रूप में अंकल हाउडी बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो आप लोग भी कमेंट जरूर बताइएगा कि अंकल हाउडी के रिटर्न के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो तीसरा है वो बहुत बड़ा सरप्राइज है, अगर ये सरप्राइज डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को मिल जाएगा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, और उस सरप्राइज का नाम है द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस। रोमन रेंस भी क्लैश ऑफ द कैसल में रिटर्न आ सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, मैं बताता हूँ। इतने सारे पेपर व्यूज में रोमन रेंस की रिटर्न आने की इतनी सारी रूमर्स थी, लेकिन रोमन रेंस रिटर्न नहीं आए, और अब क्लैश ऑफ द कैसल में रोमन रेंस के रिटर्न आने की कोई रूमर्स नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को कोई उम्मीद नहीं है कि रोमन रेंस क्लैश ऑफ द कैसल में रिटर्न आएंगे, और डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने फैंस को तब सरप्राइज देता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को कोई उम्मीद ना हो। तो अगर रोमन रेंस रिटर्न आ जाते क्लैश ऑफ द कैसल में तो ये क्लैश ऑफ द कैसल का बहुत बड़ा सरप्राइज बन सकता है। तो आप लोग भी कमेंट जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या रोमन रेंस क्लैश ऑफ द कैसल में रिटर्न आएंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।